नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज, मैं आपके साथ विजय। तो चलते हैं बड़ी खबर। मंगलवार की सुबह लगभग 7:30 बजे डालमिया मार्केट में राजेश सोनी मोहल्ले दुबई चौकी निवासी की दुकान में अचानक टीवी फ्रिज बैटरी की दुकान में अचानक आग लग गई। आग की लपेट देख मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड पर उप जिलाधिकारी अंकुश श्रीवास्तव व पुलिस क्षेत्र अधिकारी अभिषेक कुमार राहुल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बताया गया कि आग की चपेट में दुकान में रखा टीवी फ्रिज सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर खाक हो गए। आग किस वजह से लगी अभी ये स्पष्ट नहीं हो सका। जी राजेश सोनी, पता नहीं लाइट की शॉर्ट सर्किट, लाइट का शॉर्ट सर्किट। कितने बजे जानकारी? 8 बजे लाइट आई। जब सुबह सुबह की दुकान थी जी, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। इस पर सामान जलकर खाक हुआ है। LED वगैरह होती है। कितने लाख का नुकसान हो गया? 25-30 के ऊपर तो होगा। क्या घटना हुई और कितना नुकसान हुआ है दुकान में? यहाँ पे अभी बताया गया कि 8 बजे तकरीबन शॉर्ट सर्किट से जो प्रॉबलिटी दिखाई जा रही है। राजेश सोनी की यहाँ पे डालमिया मार्केट में दुकान थी, उनकी दुकान में यहाँ पे आग लगी थी। तत्काल यहाँ पे फायर ब्रिगेड पहुँची और उसने पूरी की पूरी यहाँ पे आग बुझा दी है। अभी थोड़ा धुआं शेष रह गया, उसको भी पूरी की पूरी एग्जॉस्ट लगा करके वो सारा का सारा क्लियर किया जा रहा है। विद्युत विभाग को भी यहाँ पे मौके पर बुला लिया है ताकि किसी प्रकार का और भी अन्य कोई घटना इस प्रकार की ना हो सके। यहाँ पे इनके द्वारा बताया गया है कि इनके दुकान में बैटरी, कुछ TV और बाकी इसी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक आइटम वहाँ पे रखा गया था। तो काफ़ी कुछ आइटम तो इन लोगों ने काफ़ी फायर ब्रिगेड की मदद से बाहर निकाला है, कुछ आइटम इनका जला भी है। तो इसके पूरी की पूरी यहाँ पे जांच की जा रही है किस तरीके से इनकी आग लगी है और किस तरीके से जो है ये घटना हुई है। दुकान में जो सामान था वो पूरा जल गया? काफ़ी कुछ सामान बाहर भी निकला है, कुछ सामान जला भी है। इनकी 2 tier में दुकान थी, ऊपर एक दुछत्ता भी था जहाँ पे इन्होंने ऊपर भी सामान रखा था। उसका भी अभी पूरा आकलन करने के बाद में ही पूरी चीज़ें जानकारी दी जा सकती है। इंडियन प्राइम न्यूज़ से संवाददाता नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।